राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। मधुबनी के झंझारपुर में रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने लालू नीतीश पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जंगल राज की याद दिलाई, कहा मैं रोज बिहार के अखबार बारीकी से पढ़ रहा हूँ, ये लोग फिर से जंगल राज ला रहे हैं। लालू जी एक्टिव हो गए हैं, नीतीश जी इनएक्टिव हो गए हैं, अब आप सोच सकते हैं कि बिहार का क्या होने वाला है। शाह ने कहा कि बिहार में बड़े बदलाव की जरूरत है, सरकार नहीं सुशासन चाहिए, गुंडा राज नहीं जनता राज चाहिए। 3 दशक से ज्यादा समय में जिन लोगों की सत्ता में भागीदारी रही वो ईमानदारी से काम कर लेते तो हमारे बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अमित शाह ने 30 मिनट की स्पीच में 15 बार नीतीश कुमार, 14 बार लालू यादव का नाम लिया। साथ ही में 6 बार लालू नीतीश की सरकार और 12 बार पीएम मोदी का नाम लिया। शाह ने कहा कि दरभंगा एम्स पर नीतीश बाबू बोलते रहते हैं, बहुत कम प्रदेश है जहां पर 2 एम्स दिए गए। मोदी जी ने पटना में एम्स दिया, 2020 दिसंबर में दरभंगा में दूसरा एम्स दिया। नीतीश जी ने 81 एकड़ भूमि दे दी, पहले मेडिकल कॉलेज में, बाद में इसको वापस ले लिया। अगर नीतीश जी ने भूमि वापस ना ले ली होती तो आज यहां पर एम्स बन गया होता और यहां पर मरीजों का इलाज हो रहा होता। उन्होंने कहा कि लालू नीतीश की सरकार ने फतवा जारी किया, बिहार में रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं होगी। बिहार की जनता ने जो विरोध जताया, सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। इसके अलावा बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी को अपमानजनक कहा। रैली की शुरुआत में उन्होंने लोगों से पूछा कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं। इसके बाद भारत माता की जय के नारे लगवाए, फिर सीता माता की जय के नारे लगवाए। इससे पहले बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहाँ जंगल राज है, बीजेपी की सरकार आएगी तो सब पर कंट्रोल लग जाएगा, हम लोकसभा की सभी 40 सीट जीतेंगे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ, धन्यवाद।